नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष बासरानी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम सीखेंगे टैली प्राइम में यूनिट क्रिएट करना। तो यूनिट क्रिएट करने के लिए आपको आना है क्रिएट में और उसके बाद आपको आना है यूनिट ऑप्शन जो कि इन्वेंट्री मास्टर में अवेलेबल है। सिंपली आपको यूनिट पे एंटर करना है और यहाँ पे यूनिट का नाम टाइप करना है, जैसे मैंने बॉक्स टाइप किया। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली यूनिक कोड सिलेक्ट करना है, तो यूनिक कोड आपको लिस्ट में मिल जाएगा बॉक्स से रिलेटेड। सिंपली आपको नंबर ऑफ डेसिमल्स देना है, क्योंकि बॉक्सेस में कोई नंबर ऑफ डेसिमल्स नहीं होते, वो ग्राम या किलोग्राम में होते हैं। तो नंबर ऑफ डेसिमल्स को हम जीरो ही रहने देंगे और इसे यस करके सेव कर देंगे। अब आते हैं दोस्तों यूनिट को सुधार करना, यानी कि अल्टरेशन करना। तो अल्टर ऑप्शन में आना है आपको, इन्वेंट्री मास्टर में आना है, उसके बाद आपको आना है यूनिट्स में। यहाँ आपको यूनिट दिख रही होगी बॉक्स, इसमें आप कोई भी सुधार कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों इस यूनिट को डिलीट कैसे करें। तो आपको आना है अल्टर, अल्टर में इन्वेंट्री मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर में आपको आना है यूनिट में, यूनिट में आपको आना है बॉक्स में और प्रेस करना है ऑल्ट डी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑल्ट डी ऑप्शन, आपको ऑल्ट डी प्रेस करना है फॉर डिलीट। जैसे ही आप ऑल्ट डी प्रेस करेंगे आपको डिलीट के लिए पूछेगा, आपको यस प्रेस करना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे वो यूनिट डिलीट हो चुकी है। तो ये था दोस्तों हमारा यूनिट क्रिएट, अल्टरेशन और डिलीशन का वीडियो। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें दोस्तों। हो सके तो बेल आइकन दबाएं ताकि आगे आने वाले नए वीडियोस भी आपको प्राप्त हो सकें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। धन्यवाद।